तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हथियार है अपनी जिंदगी बदलने का, वो है एजुकेशन। अगर आप इसको ढंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बदलने की तरफ चल रहे हैं। कोई नहीं आता जिंदगी बदलने के लिए। और अगर तुम एक मिडिल क्लास आदमी हो, एक गरीब आदमी हो, तो अपनी जिंदगी बदलनी तुम्हें खुद से पड़ेगी, अपने हाथों से बदलनी पड़ेगी। What we say in PW कि fail fast, करते जाओ फेल होते जाओ, करते जाओ फेल होते जाओ। 20s में तो ये करना चाहिए। By the mid of 20s or the late 20s, you will definitely have lot of experiences। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने मेहनत किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला। तुम कहते हो सर मुझे नहीं मिला। ऑनेस्टी से अपनी गलती एक्सेप्ट करो, कहां हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो सबका डेल्टा टी थोड़ा अलग अलग होता है। याद रखना बेटा, दुनिया में ना तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम ही तक घूम के आएगा। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता, तुम्हारे लड़ने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग क्षमता, टाइम मैनेजमेंट की क्षमता, सब कुछ यहां पर होगा। प्रेशर झेलने की क्षमता, सब कुछ यहां पर होगा। डॉक्टर बनने के बाद भी कॉलेज में जाएंगे तो संघर्ष होगा, कॉलेज से निकलेंगे तो भी संघर्ष होगा। तो संघर्ष करने का जो एटीट्यूड है ना, वो एक बार डेवलप हो जाए ना, तो तुम लंबा खेलो। तो यहां से बेटा मैं सारे टीचर्स की को रेफरेंस लेके ही बोल रहा हूं, एक बात जो सारे टीचर बोल रहे हैं, यहां से डरना नहीं है। अगर डर गए तो एफिशिएंसी घट जाती है। ठीक है, तो अपने अंदर की ये वाली आवाज को दबा दो जिसमें वो कह रहा है कि तुम्हारा इस बार नहीं होगा। कि एग्जाम बेटा, मतलब जितना डरोगे ना, जितना डिप्रेस होगे, उतना आपको हिट करने वाला है। मतलब वो आपको जीतने नहीं देगा। बिना डरे, बिना मतलब किसी तरीके से घबराए, अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाते हुए पढ़ोगे ना, तो हमेशा जीत जाओगे। ऐसी दो तीन चीजें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में, जो अच्छी लगती होंगी करना, और उसमें से कुछ मत छोड़ो। तीनों चीजें करते रहो। पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कीप डूइंग इट। भाई देखो, कोई भी कॉम्पिटिशन आपकी लाइफ या आपके रिलेशन से बड़ा नहीं होता है। ये एक फेज है जहां पर आपने, ध्यान से समझना, जहां पर आपने डिसाइड किया कि आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब देखो यार, यहां पर एक चीज मैं आप सभी लोगों से एक और बात बोलूंगा, ठीक है, कि हमें सर किस एक्सटेंट तक अपने आप को पुश करना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। तो आपके जो बने बनाए नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसके बाद जब रिवीजन करें या प्रैक्टिस करें, तब आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने इलेबोरेट पूरे अच्छे से फॉर्म में अपने नोट्स बना रखे हैं। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप उस टॉपिक को अच्छे से वहां से रिवाइज कर सकते हैं। बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंस हैं, टेंस इन द सेंस उन्हें काफी स्ट्रेस हो गया एग्जाम को लेकर। और मेरे को ऐसे मैसेज बहुत आते हैं बेटा बच्चों के कि सर 280 आ रहे हैं, 320 क्यों नहीं आ रहे। अपने आप पर सेल्फ बिलीव लाएं अब धीरे धीरे कि नहीं, मेरा होगा, सिलेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? डिप्रेशन में मत जाएं। और मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपको सिर्फ एक जगह से आती है, अपने पेरेंट्स से। तो वहां से अपने आप को मोटिवेट रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर है? ये हमारी ब्लेसिंग्स है। और बेटा, हम लोग बच्चों के लिए हमेशा प्रे करते हैं। तो 280 320 का गैप एक्चुअल में बड़ा है। ये आपको ऐसे लगता है कि बहुत छोटा गैप है, बड़ा गैप है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 40 नंबर नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी कुछ टॉपिक्स में ही प्रॉब्लम है, जिसके क्वेश्चन आप लगातार गलत कर रहे हो। आप जरा उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो और रिवाइज करने की कोशिश करो। नोट्स बनाने हैं, यस, आप जरूर नोट्स बनाइए भाई। नोट्स इज इंपॉर्टेंट। अब बात क्या होती है कि उतने कम टाइम में जब आपका टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो वही बात है, आप बैक टू स्क्वायर वन जाके अपने सारे नोट्स को पढ़ने से बेटर है कि आपने उन नोट्स में से जो शॉर्ट फॉर्म या क्रिस्प फॉर्म निकाली है, उससे अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में यही होता है कि आप लड़ना सीखे। डॉक्टर बनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, संघर्ष करना इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं तब तक आप जिंदा है। मैं सिर्फ अकेले के मेहनत के दम पर मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा ना कि आज तुम अपने आप को यहां पा रहे हो ना, आज से 6 महीने बाद सिर्फ तुम लेक्चर देख लो, अगर तुम काम चोरी भी करोगे ना तो तुमको यहां बना दूंगा। सेल्फ स्टडी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो सेल्फ स्टडी भी आपको बहुत बढ़िया करनी है। जितना भी पढ़ रखा है, जितना भी रिवाइज किया हमने, जितने क्वेश्चन किए हैं वो करो। आपके हम टेस्ट देते जाएंगे, आप टेस्ट देते जाना, है ना। आप कभी भी रिवीजन मोड में जाते हैं तो आप अपने ही नोट से पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एक और छोटा फॉर्म आपको रिवीजन में मिलता है।
तो आपके इलेबोरेटेड नोट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो यार, रिकॉलिंग आपकी तब होगी जब आपने जो चीज खुद से लिखी है उसकी रिकॉलिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। आपको हमेशा अपने नोट्स बना के रखने हैं और किसी दूसरे के नोट से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिलीव मी, कोई फायदा नहीं होगा। सर मेरे पास अभी समय नहीं है, तब भी फर्स्ट नोट्स आपके ही खुद के होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें खोनी भी पड़ती हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम लोग मिस कर जाते हैं जस्ट फॉर द प्रिपरेशन। एक चीज याद रखना, एक मीडियम क्लास इंसान की जिंदगी बदलने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आता, उसको खुद अपने हाथों से बदलनी पड़ती है, उसको खुद अपने हाथों से जिंदगी को बदलना पड़ता है।